अच्छी बात है, ये अपना अपना राइट है जो कर रहा है, चाहे उमर साहब ने जीता या हमारे तौसिफ साहब हैं, तो दोनों भाई हैं, तो ये एक फैमिली है, चाहे उसने जीता या इसने जीता, तो काम तो सबको करना है, काम सबको करना है, चाहे उमर साहब हैं या तौसिफ साहब हैं। मगर दुख इस बात का है कि ये एक फैमिली थी, मगर यथ कौशर पर वना कि क्या वना गोग ब्योर दौद चवान, तो मगर तम लट गिलना वन ग बर्दाश्त कहें, तो तभी इस म्यूनसिपलिटी में यही हुआ कि हम एक फैमिली थी, मगर बाहर के लोगों ने यहाँ पर ये दरार डाली हम लोगों में, ये इस फैमिली में, तो इंशाल्लाह ऊपर वाला गफूरुन रहीम है, चाहे कोई भी हमारे साथ हैं अंदर से, चाहे उमर साहब के साथ या तौसिफ साहब के साथ, हम इक्वल एक फैमिली है, एक फैमिली की तरह है। सफ़र तो कर रही हैं, वो तो उन इंसानों को देखना है जो सफ़र करवा रहे हैं। हमने इस पर्पज़ के लिए इलेक्शन लड़ा था कि हम लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, हम आवाम के लिए, हम लोगों के नौकर हैं, हमें उनके लिए काम करना है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे उनको जो भी प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व करनी है। अगर हम ये चीज़ करेंगे, हमें 2 महीने थे, पहले तो मैं ये कह रही हूँ एज फैमिली मेम्बर कि हमें ये इलेक्शन पहले करनी ही नहीं थे, क्योंकि 2 महीने थे, तो अब हो भी गए तो चलो उमर साहब, हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि उमर साहब हमारे वार्डों में अच्छा काम करेंगे। 3 महीने 10 दिन रह गए इलेक्शन को, तो अब 3 महीने 10 दिनों में अब एक्सपेक्टेशन है उमर साहब पे कि वो हमारे वार्डों में काम करने देंगे, जिस तरीके से तौसिफ साहब ने आज तक काम किया हमारे वार्डों में और लोगों ने सफ़र नहीं किया, तो इंशाल्लाह उमर साहब पे भी एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारे वार्डों में काम करने देंगे और हम काम करेंगे। चाहे कोई भी म्यूनसिपलिटी में, चाहे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या कोई भी हो, वो हमारे वार्डों में हमें काम करने नहीं देंगे, तो शायद हमारा चेहरा उस टाइम बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि मैं अपने हाँ खलल डाला जाएगा, और मैं नहीं चाहती, हमारी म्यूनसिपलिटी की टीम डालेगी, बाहर वाले लोग डालेंगे, क्योंकि जो इंटरफेयर कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर हमारा रूप उस टाइम गलत होगा। ये फैमिली हम जितने भी बंदे हैं, एक इक्वल फैमिली है, बहन भाई हैं सभी, तो हम अंदर क्या करें एक रूम में, ये एक फैमिली है, बाहर किसी को हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। कोई भी कुर्सी पर है उसको भी काम करना है और हमें भी काम करना है, और आगे आने वाले इलेक्शंस में हमें और काम करने हैं, तो हम निकले हैं लोगों के लिए, हार जीत तो लगी रहती है, और मैंने फॉर्म भरा, मैंने भी सोचा चलो ठीक है हम आजमाते हैं इसमें क्या है, मेरे लिए हार जीत मैटर नहीं करती, अगर मेरे लिए हार जीत मैटर करती तो मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ता, क्योंकि मुझे पहले था पता कि जब मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैंने हारा था, तो इसके लिए हिम्मत चाहिए, आप और इलेक्शंस में लड़ते हैं, चाहे आपको पता है कि आप हार भी सकते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट है हमारा, एक कमिटमेंट है डेवलपमेंट की तरफ, चाहे जो भी हो हम बारामूला के लिए काम करेंगे, हम बारामूला के लोगों के लिए निकले हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे भी आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो सफ़र ना हो, चाहे उमर साहब कुर्सी पर रहें, इससे भी गुजारिश है कि जिस तरह भी काम करें सब काउंसलरों को लेके चलें साथ, जिस तरह से हमने कोशिश की है मिलजुल के हम म्यूनसिपैलिटी में चलाएँ, जो कमियाँ मेरे से हुई है, जो ये कहते हैं वो शायद कमियाँ ये पूरी करें, तो इसमें सबको मुबारकबाद, इसमें हार जीत तो लगी रहती है, अगर कोई सवाल है आपको वो पूछिए। मैं आपको बताऊं कि आज जो आपको मालूम है हस्ब मामूल जो एज़ पर बाईलाज एज़ पर रूल जो है, जब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, उसी के मुताबिक जो आज इलेक्शन हुआ, तो हम तमाम लोगों का और तमाम काउंसलरों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज यहाँ पर हिस्सा लिया और इस इलेक्शन में अपना वोट जो है वो हम 2 कैंडिडेटों के दरमियान डाला, और ख़ास कर मैं अपने उन, क्योंकि अगर आप देखेंगे हम 8 ही कैंडिडेट थे, 8 ही काउंसलर आए थे यहाँ, लेकिन जो हमारे लाइक माइंडेड जो हमारे साथ जो तौसिफ साहब के ग्रुप में जो 2 कैंडिडेट थे, उन्होंने क्या किया, तो वो 10 लोग बता सक, उनमें से ही कुछ बता सकते हैं कि क्या किया, लेकिन अल्टीमेटली हम ये बताएंगे कि हम सियासत को बाला तर रख के हम लोगों के हित में काम करने के लिए वादाबंद है, और उसी चीज़ को हम ग्राउंड लेवल पे करेंगे। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आशिक साहब से मांगे कि उमर साहब ने आपको क्या बोला था और उमर साहब ने आपके साथ क्या किया, और देखिए अल्टीमेटली रूमर्स तो कल अमरिंदर सिंह जनाब, एलजी मनोज सिन्हा भी आ रहे हैं, तो आगे क्या, तो रूमर्स पर बात ना करें, प्रैक्टिकली हम बात करें, ठीक है उसकी कुछ नाराज़गी है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, हम उसके साथ मिल बैठ के इस मसले को हल करेंगे।